गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ पूर्व छात्रा समागम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्राचार्य चारू मेहरोत्रा ने अतिथियों का बुके देकर स्वागत सत्कार किया। महाविद्यालय की वरिष्ठ एवं विशिष्ट सहयोगी पूर्व छात्राओं श्रीमती अलका टंडन रिटायर्ड IAS डॉक्टर हुमा खान, श्रीमती सुशीला मेहरोत्रा, श्रीमती मंजू गोयल, निशा खानम को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने कहा कि किसी भी संस्थान के लिए पुराने छात्र एक मार्गदर्शक की तरह होते हैं, जो नए छात्रों को उनके करियर में आने वाली चुनौतियों और अवसरों से रूबरू कराते हैं। प्राचार्य ने कहा, आप किसी भी संस्थान में हो, लेकिन आपको अपने कॉलेज से हर समय जुड़े रहना चाहिए। एल्यूमिनाई एक तरह से अपने कॉलेज के हितधारक होते हैं, जो अपने बहुमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन से महाविद्यालय की प्रगति में सहायक सिद्ध होते हैं। पूर्व छात्राओं के लिए पुनः अपने कॉलेज परिसर में वापस आकर नए छात्रों के साथ बातचीत करना, उन्हें अपने संस्मरण सुनाना अपने आप में एक अविस्मरणीय रोमांचकारी पल है। एल्यूमिनाई मीट का मुख्य उद्देश्य ही पुराने पलों और पुराने रिश्तों का उत्सव मनाने के साथ साथ नए रिश्तों का नया अध्याय शुरू करने से है। मुख्य अतिथि सीनियर रेलवे अधिकारी DOM श्रीमती अंजू सिंह ने कहा, एल्यूमिनाई मीट के माध्यम से संस्थान की सभी प्रतिभाओं को एक मंच पर आने और नॉलेज शेयरिंग का अच्छा अवसर मिलता है। महिला सशक्तिकरण के संबंध में भी आपने अपने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालय परिवार सहित श्रीमती जी कुमार, रश्मि सक्सेना, अलका अग्रवाल, अनीता गोस्वामी, श्वेता पूठिया, श्रीमती नीता गुप्ता, क्षमा गोयल, कल्पना, यशिका अरोरा, महिमा टंडन, सुगंधा जैन आदि एल्यूमिनाई की गरिमापूर्ण उपस्थिति रही। कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने में प्रोफेसर पुनीता शर्मा, प्रोफेसर किरण साहू, प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा, प्रोफेसर किरण त्रिपाठी, प्रोफेसर अनुराधा सिंह, प्रोफेसर अपर्णा जोशी, प्रोफेसर सीमा अग्रवाल, प्रोफेसर सुधा सिंह, प्रोफेसर वंदना पांडेय, प्रोफेसर एकता भाटिया, प्रोफेसर सुदेश, प्रोफेसर प्रवीण सैनी, प्रोफेसर करुणा आनंद, डॉक्टर अपर्णा तिवारी, डॉक्टर ऋतु निर्वाल, डॉक्टर प्रज्ञा मित्तल, डॉक्टर प्रीति पांडेय, डॉक्टर प्रेमलता कश्यप, डॉक्टर रेणु शर्मा, डॉक्टर सविता अग्रवाल आदि का सक्रिय योगदान रहा। गोकुलदास में क्या प्रोग्राम हुआ? गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय की मैं प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा, आज हमारे कॉलेज में पूर्व छात्र समागम समारोह का आयोजन किया गया है, जैसे एलुमनाई मीट के नाम से भी आप कह सकते हैं। 73 इयर्स के इतिहास में इतना भव्य आयोजन पूर्व छात्राओं का पहली बार इस महाविद्यालय में किया जा रहा है। हमारे महाविद्यालय की ये जो संस्था है पूर्व छात्राओं की, वो रजिस्टर्ड है, और इसीलिए सोचा गया कि अब एक बहुत अच्छा सा कार्यक्रम करवाया जाए, क्योंकि पूर्व छात्राओं का ये बहुत मन था कि कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें हम आए और अपने इस पुराने कॉलेज को देखें। तो आज इस समागम में यही कार्य हो रहा है, जो पूर्व छात्राएँ हैं वो आई हुई हैं और अपनी प्रस्तुतियाँ दे रही हैं, कोई अपने विषय में अपने संस्मरणों को यहाँ पर साझा कर रही हैं, और वर्तमान छात्राओं ने भी अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है अपने सीनियर्स को लुभाने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, इस प्रकार के आयोजन जो होते हैं वो वर्तमान छात्राओं के लिए प्रेरणादायक होते हैं, कि हमारे पूर्व छात्र आज इन ऊँचे जगहों पर अन बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हैं, तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम इस महाविद्यालय के अंग हैं, यहाँ से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इन समागमों से क्या होता है कि महाविद्यालय के प्रति उनका प्रेम और एक निष्ठा बना रहता है, और इसीलिए बहुत सारे पूर्व छात्राओं ने हमारे महाविद्यालय को आर्थिक सहायता प्रदान करी है, जो हमारे महाविद्यालय के विकास और उन्नति में सहायक है। और बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ स्मार्ट ब्लैक बोर्ड है लेक्चर थिएटर में, और स्पीकर्स और आपके स्टेबलाइजर्स, पंखे, इस तरह की बुनियादी ज़रूरतें गरीब छात्राओं के लिए फीस आदि की व्यवस्था की है। इसका हमें बहुत गर्व है कि ऐसी छात्राएँ हमारे इस महाविद्यालय से निकली हैं, जो अभी भी हमारे महाविद्यालय के लिए कार्य करने के लिए उत्सुक रहती हैं। और मैं बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएँ देती हूँ कि हमारे यहाँ की छात्राएँ बाहर इस महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद इस महाविद्यालय का नाम ऊँचा करें, और इन शिक्षा जो उनकी शिक्षिकाएँ हैं उन्हें अपने कर्मों के द्वारा हम लोगों को गौरवान्वित महसूस करें।